बहुत ही सत्कार जो साढ़े आदि चीफ गेस्ट मेरे जो मैं कहा मैं कई बार कहते होंगे कि डॉक्टर जब अपने बच्चे का इलाज करता तो हथ कंबल लग जाते हैं तो बड़ा बोली का स्टेज तो बैठ अच्छ जो आप सामने बैठे हो अपने जिन्होंने हथाच आप पले हुई गए जिन्होंने हथाच आप बड़े हुए हुई गए तो जब सामने बैठे हो तो थोड़ा जट जरूर महसूस होती है। सो आज अपने चीफ गेस्ट बच्चे अपने मैडम किरणा राणी सी डी पी ओ महल कलांडो इन्होंने हथाने में ही सा बचपन लंघिया गया इन्होंने कोल ही असं बड़े हुए हैं इन्हों देख देख के। सो इन्होंने नाम से एक बार जरूर सारे जने ताड़ी लगाओ बच्चे जोर जी सब पता लगने असं आंटी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। नाल उन्हें सुपरवाइजर मैडम रजिंदर कौर जी वो आए हैं जी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने अपने कीमती समय जो समा कढ़िया उपरंत अपने स्कूल के सारा बड़ी कह लीए चाहे एम डी कह लीए चेयरमैन कह लीए अपने स्कूल के मैडम मेरे मदर प्रसपाल कौर जी वो भी बैठे ने गे तो उन्होंने भी इतने स्कूल के पहुँचने बहुत धन्यवाद किया जाता कि उन्होंने अज आ टाइम कढ़िया जो साढ़े विचार पहुंचे तो इस तुम बिना पत्रकार भी कल भी आप कवरेज का आनंद माणिया इन्होंने भी टाइम कढ़ के अज अपने बच्च पहुंचे तो इन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता जगजीत सिंह तो मैडम गगन जी का। इस तो बाद प्यारे बच्चे कल इंजॉय किया सब ने कल 15 अगस्त में आप आजादी दिहाड़ा मनाया सी सो हो जो इंजॉय की तो ताड़ी मारो होर भी थोड़ी है कल की छुट्टी चाहिए फिर अच्छी पर आई नहीं ताड़ी की आवाज खुल के छुट्टी कर दिए कल दी रहन दिए जो कहना छुट्टी करो रेजर हैंड्स
चलो एंड पे विचार करते हैं दाऊ से मैं मुख मेहमान का धन्यवाद करता कि वह साडे विचारों ने समा कढ़िया तो थोड़ा जहा भी दसना चाहना कि साड़ी अज जी बच्चे की तैयारी है वो सिर्फ एक या दो दिन की तैयारी है बड़ी थोड़े समय के बच्चे असं बच्चों को प्रिपेयर किया है सो आने वाले टाइम के आप इस तो भी थोड़ा व्डे लैवल से प्रोग्राम करवावे तो वो प्रोपर हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाऊगा सो इस बाद मैं मैडम मेरी आंटी करना जी ने बेनती करूँगी स्टेज पर आओ तो आके बच्चों दो मिनट अपने विचार साझे कर उस तो बाद आप सारे टीचर्स के प्लस मुख मेहमान की फोटो होगी उस तो बाद आप प्रदर्शनी वाल जावे उस तो बाद अपना जोड़ा वो अगले बच्चों का प्रोग्राम करके तो इतने फिर पिंड ही आप गिद्धे का जोड़ा है बोलियां का वो आनंद माना सो इस हम दो मिनट मैडम कैमरा रानी जी वो ऑन तो प्लीज स्टेज पर आके बच्चों नाल दो मिनट गल साझी कर क्लैपिंग बच्चे सारे तो पहला तो मैं मेरे सत्कारयोग मैडम रशपाल कौर जी चाहे जिन्हें चाहे इन्होंने मैं अपने गुरु गुरु भी कह या मेरे बड़े सिस्टर या मेरे फ्रेंड जिन्हों मैं सारा टाइम बतीत किया मैनू अज इतने आने बच्चे जोड़े कमल के उपरी तुले इन्होंने असी बहुत छोटे ने देखा अच्छी जो मैं इन्होंने बच्चे भी देखा तो मैं इन्हों का बचपन याद आ गया मैं उदो ही इन्होंने कह जो बच्चों ने मैं क्या मैंने जोत तो कमल याद आ गए तू देख देखते सारी तो मैं अज अपने आप से बहुत प्राउड फील हो रहा है भी मैं अपने उही हथे पाली बच्चों की जो तरक्की देखते हैं तो मन में बहुत खुशी होती है इन्होंने तिया वगैरह का सारा किया गया बड़ा वधिया लग्या भी भरा सुनारा लेके आता क्योंकि नहीं तो इन्होंने बच्चों को पता ही नहीं सी लगना इन्ह चीज़ों का जे आप दसांगे तो ही इन्होंने बच्चों को वो लगू पता लगेगा बहुत वधिया इन्हों का देख के मैं बहुत मन में खुशी हुई है मैं इन्हों कमलप्रीत तो इन्हों की वाइफ तो बाकी सारे स्टाफ मैंबर का मेरे नाल मैडम रजिंदर कौर जी का मेरे गुरु मैडम रशपाल कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट ईयर भी आप प्रदर्शनी बारे जानकारी दी सी तुहानू याद है तुसी बॉटल्स भी वधिया लैके आउंदे ने प्लास्टिक दीआं ग्लास हुंदे ने स्टील दे पानी पीने उहनां दे विच पर पहला वाले जमाने दे विच किहड़े भांडे नाल पीते हुंदे सी पानी वगैरह पित्तल दे पहला सारे ही घरां दे विच पानी या किसी भी चीज़ लई वरते जांदे सी जिहड़े भांडे उह पित्तल दे वरते जांदे सी स्टेज उपर बुलाना चाहवांगे उन्होंने सम्मानित किया जाएगा हाँ जी सर प्रिंसिपल सर साढ़े स्तियां दे फंक्शन ते पहुंचे मुख मेहमान श्रीमती किरणा राणी रजिंदर कौर सुपरवाइजर महल कला उन्होंने असं स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं कि अपने मैं जो क्वेश्चन बोलूँगी जिन्हों का आंसर आता होया तो वह अपना हाथ खड़ा कर लिया ठीक है वह आंसर दे सारे तो पहला तो मैं दसो प्राण का की होंगे वेरी गुड वेरी गुड क्लैपिंग करो दूसरा क्वेश्चन सग्गी फुल कितने लाए जाते हैं सग्गी फुल वेरी गुड शाबाश ताड़ियां लाओ इस तो अगला क्वेश्चन है झूमर की होंदा है अज का जोड़ा प्रोग्राम फ्यूचर रेडी इंटरनेशनल स्कूल टल्लेवाल विखे बच्चों का प्रोग्राम मनाया गया जो कि बहुत वधिया सी डांस गिद्धा बच्चों वालों भंगड़ा पाया गया और छोटिया आइटम जड़िया के अज के विरसे पुराना अलोप चुके विरसे रिलेटेड ने वो आइटम पेश की गई बच्चों वालों जो कि बहुत वधिया लग्या इतों के प्रिंसीपल साहबान मनहर कमलप्रीत सिंह मैडम परमजीत कौर उन्हां वल्लों जिहड़ियां पुरातन चीज़ां ने उन्हां दी प्रदर्शनी लाई गई जिहदे विच बच्चों नूं भी बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया उहदे विचों दो तीन चीज़ां तां इह जिहियां सी जिन्हां बारे मैनूं भी नहीं सी पता
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਲਾਹਯੋਗ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਜਗਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਮ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਮ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ।